गोरखपुर पुलिस ने बुधवार की सुबह सुरक्षा के मद्देनजर गोरखनाथ मंदिर परिसर में मॉक ड्रिल किया। मंदिर परिसर के यात्री निवास में दो तथाकथित आतंकियों के होने की सूचना प्रचारित की गई थी, जिस पर गोरखनाथ थाने की पुलिस और QRT ने समय पर ही मौके पर पहुंचकर यात्री निवास की घेराबंदी कर ली। वहीं एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन शौर्य की अगुवाई कर रहे CO गोरखनाथ ने मौके पर क्राइम ब्रांच की टीम के साथ मोर्चा संभाला। इस दौरान मुस्तैदी दिखाते हुए पुलिस ने यात्री निवास में छिपे दोनों डमी आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया। CO गोरखनाथ प्रवीण सिंह ने बताया कि मकर संक्रांति और खिचड़ी मेले की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने आज मॉक ड्रिल किया है। CO ने मॉक ड्रिल को सफल बताते हुए कहा कि तय समय पर पुलिस और QRT के साथ फायर विभाग की टीम ने तथा कथित आतंकियों पर काबू पाया। CO गोरखनाथ ने बताया कि सुरक्षा को लेकर पुलिस मुस्तैद है, आगामी खिचड़ी के मेले को शांतिपूर्ण संपन्न करा लिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए CO गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह ने कहा, चलो और कमरा चेक करो, एक आदमी और हमें छत कवर की फोटो लगा, एक आदमी और है मैडम जैसा कि आप जानते हैं गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा हम लोगों के सर्वोच्च प्राथमिकता में रहती है गोरखपुर पुलिस के। साथ ही साथ मकर संक्रांति का जो पर्व सामने आने वाला है, एक बड़े व्यापक रूप में यहां मनाया जाता है जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसके साथ ही साथ तकरीबन 2 महीने तक यहाँ मेले का भी कार्यक्रम चलता है। इसी को देखते हुए आतंकवादी यह निरोधक अभियान था, एक जिसे ऑपरेशन ठीक है शौर्य का नाम दिया गया, जिसमें 2 डमी आतंकवादी यात्री निवास में भेजे गए और उसके बाद ठीक कंट्रोल के माध्यम सबको अवगत कराया गया। बहुत ही मतलब क्विक रिस्पॉन्स रहा पुलिस का, विभिन्न विभागों का, जिसमें मतलब फायर सर्विस, एम्बुलेंस, QRT, जनपद स्तरीय स्वाट टीम और रिजर्व की पीटर कमांडो टीम, ये सारी टीमों ने 15 से 20 मिनट के अंदर वहाँ पर रिस्पॉन्स किया। सुबह जब इनको सूचना मिली 7:25 के आसपास, कुल मिला के 35 मिनट यह ऑपरेशन चला, जिसमें हम लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया। BDDS टीम ने पूरे बिल्डिंग को दोबारा सर्च किया, LIU ने भी अपने स्तर पे पूरा रिसर्च ऑपरेशन चलाया। कुल मिला के 1 घंटे बाद हम लोगों ने वहाँ पे सारी गतिविधियाँ नॉर्मल की, जब 2 लोगों की मतलब गिरफ्तारी हो गई। इस प्रकार की SOP बनाकर और मंदिर को विभिन्न मतलब कोर में बांट के हम ऐसा अभियान लगातार चलाते रहेंगे, जिससे कि कोई भी शिथिलता ना बरती जाए और हम हमेशा किसी भी प्रकार के खतरे से निपटने के लिए तत्पर रहें। धन्यवाद।